चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैड्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन नीलगिरिस तमिलनाडु से है, ठीक है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ पोस्ट इन ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। चलिए देखते हैं कौन से पोस्ट है, डिटेल में जानते हैं। LDC, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, ठीक है। पहले मैं ये बता दूँ, ये सबका जो भी जितने भी पोस्ट मैं पढ़ूंगा सबका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 18 साल, ठीक है, और मैक्सिमम 25 साल। बाद में बात करेंगे कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कितने एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, पर अभी देखिए 18 से 25 साल, ठीक है। 2021 तक आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोस्ट के बारे में, कौन सी पोस्ट है सॉरी LDC, ठीक है। एक पोस्ट है, OBC के लिए एक है, ठीक है। सबका करीब 18-19 हज़ार सैलरी है, ठीक है। नीचे बात करते हैं क्या है पोस्ट, बुटमेकर, ठीक है। एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड एक है, ठीक है। पहले जो LDC का पोस्ट था उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास जरूरी है, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। बुटमेकर अनरिजर्व के लिए एक है, एक ही पोस्ट टोटल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। नीचे चलते हैं कुक, ठीक है। कुक के टोटल पोस्ट हैं 9, उनमें से अनरिजर्व 3, OBC 2, SC 1, ST 1, EWS 1, ESM 1, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास करना जरूरी है, ठीक है, 10th पास करना जरूरी है, ठीक है। मस्ट हैव नॉलेज इन इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, ठीक है। कुकिंग आना जरूरी है, कुकिंग का पोस्ट हो तो कुकिंग आना ही जरूरी होगा, ठीक है। टेलर, ठीक है, अनरिजर्व एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट SSL क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। सफाई वाला 3 पोस्ट है, OBC के लिए एक, SC के लिए एक, EWS के लिए एक, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बार 3 है, अनरिजर्व के लिए एक, OBC के लिए एक, SC के लिए एक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, ठीक है। वाशरमैन 5 है, 5 पोस्ट है कुल, अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए एक, EWS के लिए एक, ESM के लिए एक, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात, एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं, जो बात कर रहा था मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन सॉरी एज रिलैक्सेशन कितने हैं, अनरिजर्व के लिए 25 साल फिक्स्ड है, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 28 साल, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। कैसे प्रोसीजर कैसा है सिलेक्शन का, रिटन एग्जामिनेशन होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आप जिस ट्रेड में माहिर हो, ठीक, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा। चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आपको ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इसको आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, ये जो फॉर्मेट दिया गया है साइड में, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको जो डैश लिखा हुआ है इसको आप फिलअप करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नीचे नेम वगैरह सब, फादर्स एंड हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिलअप करना है। इसको फिर आपको भेज देना है इस एड्रेस पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, द कमांडेंट द मैड्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन नीलगिरिस तमिलनाडु, ठीक है, इस पर आपको भेज देना है, ठीक है। वो भी कितने, लास्ट डेट क्या है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये 7 से 13 अगस्त, ठीक है, का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, इसमें छपा है, हम 7 तारीख को पकड़ेंगे, ठीक है। पहले 2 दिन से पहले पकड़िए, 5 तारीख, ठीक है, तो 26 तारीख हो गया, 2 दिन हाथ में रखिए यार, ठीक है, रख के जितनी जल्दी हो सके 25 तारीख के अंदर आपको ये भेज देना है, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्मेट चाहिए क्या कैसे है, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदना है, ठीक है, खरीद के आप ये वाला देख सकते हैं, कौन सी, 7 से 13 अगस्त 2021 वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, पेज नंबर 23, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मैं आपके साथ मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।